इफ़ेक्टिव स्किल्स में और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं विच कोज टू अ सक्सेसफुल लेसन इसमें एक बहुत बुनियादी बात क्वेश्चनिंग की है क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स से सवाल कैसे करते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको जवाब कैसे देते हैं तो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ लेसन क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर करें और क्वेश्चन जो हैं ओपन एंडेड रखें ऐसे सवाल जो हैं वो स्टूडेंट से ना करें जिसका आंसर जो है वो यस yes या नो no हो उससे स्टूडेंट लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से सामने नहीं आती ऐसे सवाल जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच कर जवाब दें ऐसे सवाल करें जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो उसमें जो है वो बेहतर लर्निंग जो है वो होती चली जाती है और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितना सीख लिया है या कहां पर वो थोड़ा अटक रहे हैं सो प्लीज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन अपोज टू क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स को इट इज गुड टू आस्क फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जब आप सवाल ही नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं दे रिलैक्स इन द क्लास वो जो हैं उनके ऊपर फिर ये लाजिम नहीं रहता कि वो हर वक्त क्लासरूम में फोकस्ड रहें क्योंकि उनको मालूम है कि टीचर जो है वो पढ़ाकर जो है वो चला जाएगा और सवालात नहीं करेगा सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स को ऑन टोज रखते हैं और सवालात जो हैं उसका सिलसिला क्लास में ज़रूर जारी रखें इसके साथ साथ ये कोशिश करें कि आप तमाम स्टूडेंट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सवाल करें आम तौर पर टीचर्स जो हैं वो फिक्सेटेड बाज़ात अपने सवाल खास स्टूडेंट्स के साथ करते हैं

या बाद में सवाल करें जिस सवाल की जहां पर गुंजाइश निकल रही है वहां पर वो सवाल जरूर होना चाहिए क्योंकि जब आप आखिर में सवाल को ले जाते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो वो नहीं रहता जो दरमियान में कहीं पूछने से हो सकता है सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट क्वेश्चन एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क यू क्वेश्चन वेन एवर देर इज अट इसके अलावा मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसके लिए यह जरूरी है कि आप स्टूडेंट्स के साथ जो हैं वो उनके उनके इर्द गिर्द जो हैं वो घूम फिर के ये देखें कि आया वो अपना काम ठीक तौर से कर रहे हैं या नहीं सो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ आपको मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लासरूम में हो क्या रहा है आगे क्या हो रहा है साइट पे क्या हो रहा है या पीछे क्या हो रहा है जब आप ये अवेयरनेस जो है वो शो नहीं करते तो स्टूडेंट्स जो हैं, दे ऑल्सो गेट रिलैक्सड सो दे डिवेलप अ लेड बैक एटीट्यूड नॉट ओनली दैट दे कैन देन एंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज विच मे हैम्पर द क्लासरूम प्रोसीडिंग्स। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि क्लासरूम जो है उसकी इंस्ट्रक्शनल जो फ्लो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो अगर कोई स्टूडेंट कोई डिस्ट्रेक्शन भी क्रिएट कर रहा है तो हमने देखा था जब हम क्लासरूम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे कि ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने क्ला, अपने क्लासरूम लेसन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो डिस्ट्रैक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए ये जरूरी है कि आप फीडबैक का प्रॉपर फीडबैक का इस्तेमाल करें फीडबैक देना बहुत जरूरी है और फीडबैक को स्पेसिफिक होना चाहिए फीडबैक की हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं

so students know where they stand in terms of learning and you also know that which are the concepts that need repetition